कसा हो साहब, कई करीरिया हो? ये सुन के शायद आपने अनुमान लगा लिया होगा कि मैं मालवी भाषा बोल रहा हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको मालवी भाषा के विषय में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। अब सबसे पहले बात करें इस भाषा के क्षेत्र की, तो इस भाषा का क्षेत्र मुख्य रूप से मध्य प्रदेश है। इसमें भी इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, झाबुआ, मंदसौर, रतलाम, नीमच, गुना, राजगढ़ मध्य प्रदेश में प्रमुख है। साथ ही साथ यह भाषा राजस्थान के भी कुछ हिस्सों जैसे झालावाड़ और चित्तौड़ में भी बोली जाती है। इस भाषा को बोलने वाले लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग हैं, जो कि मूलतः इस भाषा को बोलते हैं या इस भाषा के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। मालवा शब्द का मतलब होता है एक उठा हुआ भूभाग। मालवा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, माल और वा। माल का अर्थ होता है उठा हुआ भूभाग। इसलिए मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित इस भूभाग को, जो कि अन्य भूभाग की अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित है, इस पठार को मालवा का पठार बोला जाता है और यहाँ पे बोले जाने वाली बोली को मालवी बोली कहा जाता है। मालवी भाषा अगर हम इसकी ओरिजिन देखें, या तो इसे हम वैदिक संस्कृत परिवार की ही एक भाषा कह सकते हैं, या है ही यह वैदिक संस्कृत परिवार की ही भाषा है। इस भाषा पर देखा जाए तो मुख्य रूप से हिंदी, रजवाड़ी, मराठी, उर्दू एवं अंग्रेजी का बहुत ही गहरा प्रभाव है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के निकटवर्ती प्रदेशों की भाषा जैसे गुजराती, मराठी, बुंदेली, बघेली का भी इस पर काफ़ी गहरा प्रभाव आप देख सकते हैं। निमाड़ में बोले जाने वाली निमाड़ी भाषा इस भाषा की सबसे निकटवर्ती भाषा है। अब इस भाषा की लिपि की बात करें तो आज की तारीख में इस भाषा की जो लिपि है वह है देवनागरी। पर पुरातन काल में इस भाषा की लिपि पेशाची या भूत लिपि होती थी, जिसे मालवी लिपि भी कहा जाता है। मालवी हिंदी से कई मायनों में समान है तथा कई मायनों में यह हिंदी से अलग है। इसे उच्चारण की दृष्टि से देखें तो इसमें न को ण बोला जाता है, ल को ळ बोला जाता है तथा श की जगह मुख्य रूप से स का प्रयोग किया जाता है। और भी इसमें कहीं छोटे मोटे अंतर आप व्याकरण में पा सकते हैं। तो यह थी मालवी भाषा के विषय में एक संक्षिप्त जानकारी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।